अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने गॉस सीडल गॉस जैकोबी मेथड पढ़ लिया था, और दोनों ही जो भी ओपन मेथड है, ओपन मेथड में कन्वर्ज और में डाइवर्ज। देखिए, कन्वर्ज और डाइवर्ज से पहले आता है स्टेबल और अनस्टेबल। सही, अगर कोई मेथड ओपन रूट्स के हों या इधर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हों, अगर ओपन मेथड इन दोनों फॉर्मेट के हैं और अगर वो स्टेबल है तो लाजमी कन्वर्जेंट हो, यानी कि जैसी आइट्रेशन चलेंगी उनका हर आइट्रेशन में एरर कम हो रहा होगा, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। और अगर अनस्टेबल है तो अनस्टेबल में कन्वर्ज भी कर सकते हैं और डाइवर्ज भी। ठीक, तो याद रखें जो कंडीशन है, जो कि कहते हैं कि एक तरीके से सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी मेथड, सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू बी स्टेबल, यानी कि इनकी सक्सेसिव कंडीशन जो इसके मेथड स्टेबल, जैसे एक्स पॉइंट में जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपका जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन वन आना चाहिए। न्यूटन रैफसन में जो कंडीशन थी वो ये थी कि फंक्शन और उसका डबल डेरिवेटिव का मॉड लेस देन हो फंक्शन के डेरिवेटिव स्क्वायर, तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन थी। तो यहाँ पे गॉस सीडल और गॉस जैकोबी भी दोनों जो है वो एक ही दोनों की स्टेबिलिटी कंडीशन। क्या कंडीशन है वो? कंडीशन ये है कि जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स या सिस्टम जो है, चलिए सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मस्ट बी strictly diagonally dominant। ये क्या चीज है diagonally dominant, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ? अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्ट्रिक्टली diagonally dominant, ये क्या है भी बता रहा हूँ, अगर कोई क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर स्ट्रिक्टली diagonally dominant है, इसका मतलब यह है कि वो उसमें गॉस सीडल भी और गॉस जैकोबी भी दोनों स्टेबल होंगे। ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट क्या है वो बताएंगे, लेकिन दोनों मेथड स्टेबल होंगे, स्टेबल होंगे तो कन्वर्जेंट होंगे भाई। और अगर ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट नहीं है तो मेथड अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल तो कन्वर्ज भी कर सकते हैं और डाइवर्ज। अब स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट होता क्या है उसको देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास तीन इक्वेशन है, a12x2 a13x3 = b1। इस तरीके से a21x1 + a22x2 + a23 a23 a23x3 = b2। ये सारा सिस्टम होता है, आपको होता है, इन जनरल लिख रहा हूँ। ये कोफिशिएंट होते हैं जो a में मैं लिख रहा हूँ, यानी कि अगर a2x है पहली इक्वेशन में तो a11 जो है वो 2 के बराबर, सही। और इस तरह से आपका ये जो सबस्क्रिप्ट है ये शो करती है कि रॉ और कॉलम को अगर आप मैट्रिक्स में देख रहे हैं, वरना ये इक्वेशन और अननोन, देखिए अननोन तीन है x1 x2 x3। अगर मैं a11 कह रहा हूँ तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशियंट, अगर मैं a22 कह रहा हूँ यानी कि सेकंड इक्वेशन और सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट, देखिए सेकंड वेरिएबल x2 है, अगर रॉ कॉलम में देख रहा हूँ तो सेकंड रॉ सेकंड कॉलम का कोफिशिएंट। तो कंडीशन क्या, पहले मैं बताता हूँ आपको मैट्रिक्स ही बना दूँ, अगर आप इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, a11 a12 a13 और a21 a22 a23
सिमिलरली A31, A32, A33 ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट कंडीशन क्या है, देखिए आप इस इक्वेशन से x1 निकालते हैं, इक्वेशन से x2 निकालते हैं, इक्वेशन से x3 या इसको इस तरह बोल दें तो इससे आप x1 निकालते हो, इससे आप x2 निकालते हो, इससे आप x3 निकालते हो। तो कहानी क्या है आपकी, हमें ये चेक करना है कि मेरा जो मैट्रिक्स है डायगनली डोमिनेंट है या नहीं, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है। वो क्या होता है, तो पहली इक्वेशन है उसमें देखिए डायगनल एंट्रीज कौन कौन सी, A11, सेकंड इक्वेशन A2 भी डायगनल एंट्रीज है, ये डायगनल में जो ये होता है ये डायगनल कहलाता है। इस तरह याद कर लेंगे जहां पे रॉ और कॉलम की जो एंटिटीज है वो सेम हो तो वो डायगनल है, A11, A22, A33 अगर 4x4 है तो A44 भी आएगा। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये डायगनल एंट्रीज होती है, ये डायगनल होता है जो मैंने लाइन लगाई थी डायगनल एंट्री, जो हर डायगनल एंट्री है यानी कि A11 अच्छा सबको मॉड में लेना है यानी कि प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो जो A11 है वो बड़ा होना चाहिए, अब देखिए ये ऑफ द डायगनल A12 और A13, तो जो A12 और A13 के सम से देखिए डायगनल पे A11 है तो A11 जो है वो बड़ा होना चाहिए A12 और A13 के सम से, साइन से फर्क नहीं पड़ता, दैट बाय सब पे मॉड। इस तरीके दूसरी इक्वेशन में देखें डायगनल पे कौन है A2, ये चीज ऑफ द डायगनल कौन है 2-1 और 2-3, तो ये बड़ा होना चाहिए A21 प्लस A23, अगर 4x4 है तो एक और एंट्री आए, और इसी तरीके से A33 जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये डायगनल एंट्री और ऑफ द डायगनल ये है सही, वो बड़ा होना चाहिए A31 से और A32। इसी तरीके से अगर 2x2 है तो 2x2 में तो एक ही हो। तो अगर ये जैसे देखें हर डायगनल एंट्री जो है वो ऑफ द डायगनल के सम से बड़ी है, मॉड में लेना है सबको प्लस माइनस डजंट मैटर, अगर हर डायगनल एंट्री अपनी ऑफ द डायगनल एंट्री से बड़ी है, यानी कि मैं इक्वेशन भी रख के बता देता हूँ आपको, चलो लेट्स से आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं 5 -2 -2 और यहाँ 0 6 3 और यहाँ कर लेते हैं 1 0 -2 सही। अब देखिए डायगनल एंट्री 5 है पहले में, तो 5 जो है वो बड़ा होना चाहिए, -2 पे मॉड लगेगा तो 2 बन जाएगा 2 और प्लस और -2 पे मॉड लगेगा तो 2। तो अगर आप देखें तो 5 जो है वो 2+2 कितना होगा 4 से बड़ा होता है, सही पहली इक्वेशन है सही। दूसरी इक्वेशन कैसे चेक करेंगे डायगनल में क्या है 6, तो 6 जो है वो बड़ा होना चाहिए 0+3 से, अच्छा मॉड लगेगा सब पे तो 0 पे मॉड लगेगा 0 ही रहेगा, 3 पे मॉड लगेगा 3 रहेगा, आप देखें 6 जो है वो बड़ा है 3 के बिल्कुल सही बड़ा होता है सही। इसी तरीके से ये -2 है, -2 पे जब मॉड लगेगा तो 2 हो जाएगा सही, ये बड़ा होना चाहिए 1 पे मॉड लगेगा 1 ही रहेगा 0 पे रहेगा, तो देखें 2 बड़ा है 1 सब पे मॉड लगाना अलग, ये देखें तीनों इक्वेशन ट्रू, यानी कि ये जो इक्वेशन से जिससे आपने मैट्रिक्स बनाया है ये है स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट सही। तो स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट कंडीशन है ये वाली जो कंडीशन है वो भी यही बता रही है आपको। तो इस तरह से अगर आपका कोई सिस्टम है तो लाजमी हम इस पर गॉस सीडल लगाएं या गॉस जैकोबी लगाएं, दोनों स्टेबल होंगे तो लाजमी कन्वर्ट करेंगे सही। अच्छा स्ट्रिक्टली क्यों आ रहा है, स्ट्रिक्टली में का मतलब ये है खाली डायगनली डोमिनेंट जो होता है, खाली डायगनली डोमिनेंट का मतलब है कि ये जो डायगनल एंट्रीज या तो बड़ी हो या बराबर हो, ये इस तरह से हो ग्रेटर देन इक्वल, तो ये खाली डायगनली डोमिनेंट है। खाली डायगनली डोमिनेंट पे मेथड स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल, सॉरी खाली डायगनल डोमिनेंट पे जो है वो आपका मेथड जो है वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो कन्वर्ज भी कर सकता है डाइवर्ज भी कर सकता है, स्ट्रिक्टली डायगनल डोमिनेंट पे लाजमी कन्वर्ज करे ठीक। तो स्ट्रिक्टली डायगनल डोमिनेंट होना चाहिए आपका मेथड वो है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो हमें याद रखने वाली चीज़ें वो स्ट्रिक्टली डायगनल डोमिनेंट को हमें याद रखना है ठीक। तो हमारा जब भी कोई भी सिस्टम हमारा स्ट्रिक्टली डायगनल डोमिनेंट होगा तो लाजमी कन्वर्ज करे ठीक हो गया। तो ये कंडीशन आपको समझानी थी, अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ
जिसका भी कंडीशन बाद में चेक करेंगे। देखिए पहले तो आप डायरेक्ट मेथड शुरू कर दें, मेथड में अगर आपका हर स्टेप पे एरर कम हो रहा है तो आप कहते हैं आपका मेथड स्टेबल है, और स्टेबल है तो कन्वर्ट करेगा, ठीक है लाजमी। तो या तो ये तरीका या ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट को चेक करें। लेकिन याद रखें डायगोनल डोमिनेंट अगर नहीं है, स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट अगर नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 2x2 की लेते हैं, 1 5 6 अब आप देखें ये डायगोनल डायगोनल कंडीशन है ना, तो 1 का मॉड लेंगे 1 ही रहेगा, बड़ा होना चाहिए वो 5 से, तो ये तो नहीं है ट्रू। इसी तरीके से जो 12 है वो बड़ा होना चाहिए डायगोनल में, 12 में बड़ा होना चाहिए 6, तो एक ही एंट्री है ऑफ द डायगोनल, मतलब अगर 2 होती तो प्लस कर दो तो ये भी बड़ा नहीं, तो यानी कि ये जो है ये स्ट्रिक्टली डायगोनल यानी कि डायगोनल डोमिनेंट नहीं। तो अब इस पे जो भी आपकी इक्वेशंस बनेंगी, गॉस सीडल लगाएं, गॉस जैकोबी लगाएं, वो हो सकता है कन्वर्ज कर जाए और हो सकता है डाइवर्ज कर जाए। तो नॉट डायगोनल डोमिनेंट में हमें कुछ पता नहीं होता, सही। अब हम सवाल पे चलते हैं, एक सवाल टेस्ट करते हैं हम के किस तरह वर्क करता है, ठीक। जरूरी नहीं है मैं अभी मैं लाजमी का डाइवर्ज करा रहा हूँ सवाल के लिए, जरूरी नहीं। Consider the following equations. फिर एक हम सीडल चेक करेंगे, सीडल कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो जाता है और जैकोबी आपको बता दिया था। Consider the following equations. Equation मैं लिख रहा हूँ, तो equation आपके पास है x plus x1 कर दें, x1 plus 3x2 is equals to 7 और 6x1 plus x2 is equals to minus, ये आपके पास इक्वेशन, ठीक। अब इसमें लिखा है कि अप्लाई गॉस सीडल मेथड टू सॉल्व अबव सिस्टम, परफॉर्म सही। अच्छा चाहे तो लिखते भी हम सिर्फ ये इसको शॉपिंग क्राइटेरिया भी देते हैं, इफ इट कन्वर्ज देन परफॉर्म, अगर ये कन्वर्ज करता है तो आपको 3 आइटरेशन करना, सही। तो ये सवाल है आप देख, हॉस्पिटल में भी वो स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट पे नहीं जा रहा है, स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, सही अभी उस पर नहीं जा रहा हम इसको डायरेक्ट, जैसे हमें अभी समझे कि हमें वो स्टेबिलिटी कंडीशन पता ही नहीं है डायगोनल डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट वाला, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हमें पुराना तरीका। अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँ कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट हो जाएगा, पहली इक्वेशन से मुझे x1 की यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूंगा, तो x1 की वैल्यू बन जाएगी x1 is equals to 7 minus 3x2, और x2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो बन जाएगी माइनस का 3, और x1 वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 6x1, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि गॉस सीडल है तो यहाँ तो i प्लस 1 आएगा, और चूंकि अभी x1 निकाला x2 अभी नहीं आया तो उसके लिए i, और यहाँ i प्लस 1 आएगा, और चूंकि अब x1 ऊपर आ चुका है तो यहाँ पे i प्लस 1 ही होगा, जो वेरिएबल आ चुका था गॉस सीडल में हम उसको i प्लस 1 से रिलेट करते हैं, सही। जैसे i 0 होगा तो ये बन जाएगा x1 i 0 प्लस 1 1 7 माइनस 3x2 यानी कि 0 i 0 और x2 यहाँ 1 हो गया और माइनस का 3 माइनस का 6x1 i0 प्लस 1 यानी कि 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहली आइटरेशन मैं मैनुअल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट हो सकती है। इनिशियल क्या समझे 0 है तो x2 जो है वो 0 आइटरेशन का 0 लें तो 7 आंसर आ जाएगा, फिर ये x1 का 1 है यानी कि x1 पहली आइटरेशन का 7 है,
नीचे रखेंगे तो नीचे -3 -6, अब x1 जो है वो पहली एडिशन का यूज करना है ऊपर वाला, तो उसकी जगह 7 डाल दिया आपने, तो कितना हो जाएगा माइनस का 42 माइनस का 45 आ गया, ये पहली एडिशन यानी कि 7 और -45 आ गया। अब अगली एडिशन से जाने से पहले मैं इसको कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि आप इसको ए ले लें, x1 को जो है वो ए ले लें और इसको बी ले लें, तो कैलकुलेटर में इसकी इक्वेशन फिट कर दें, ये ए बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, सही तो कैलकुलेटर में इक्वेशन फिट कर दें, कैलकुलेटर में गॉस सीडल जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में तरीका आपको समझाया हुआ, कोई चाहे तो मैनुअल भी कर ले, कोई मसला नहीं है, हम फिर चेक करने के बाद आई होगा x1 का आई x2 का आई, सही, और एरर अभी निकालना नहीं है, जैसे आई 0 पे जो कि इनिशियल गैस है तो ये 0 0 आ जाएंगे, और जैसे हमने एक एडिशन हमने कर दी है तो 1 पे x1 जो आया वो 7 आया और x2 जो आया वो -45 आया, सही। तो अब हम इस पे वैल्यूज पहले से कैलकुलेटर फीड करते हैं इक्वेशंस को, जहाँ जहाँ x1 है वहाँ ए करते हैं और जहाँ जहाँ x2 है वहाँ बी करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर फीड कर रहा हूँ इक्वेशन को, तो अल्फा दबाएंगे ए, फिर अल्फा दबाएंगे तो इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 7 माइनस, मैंने आपको बता दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 7 -3 बी हो जाएगा, सही, 3 x2 तो बी हो जाएगा, फिर इक्वेशन दूसरी डालनी तो कॉलन डालेंगे आप, फिर बी, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा कि पिछले लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई है कैसे इक्वेशन डालना, तो चूंकि बार बार हमने इसका टाइम नहीं ज्यादा दे रहा, तो अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आता कंप्यूटर पर इक्वेशन डालना तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। बी इक्वल्स टू हो गया 7 -3 बी, और दूसरी इक्वेशन क्या है x2 इज इक्वल्स टू, यानी कि बी इज इक्वल्स टू -3 -6 x1 यानी कि ए, ठीक, फिर आप कैल का बटन दबाएंगे तो आपसे बी की वैल्यू पूछेगा, तो बी क्योंकि इनिशियल गैस तो 0 है, तो और तो देखिए पहली ए 7 आ रहा है, मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको तरीका बता रहा है इक्वल दबाने का बस गेम, और ए 7 आ रहा है और बी आ रहा है -45, सही, ये पहली एट्रेशन कैलकुलेटर पर भी आ रहा है, दूसरी एट्रेशन जब करेंगे तो ए जो है वो 142 आ रहा है और जो बी है वो आ रहा है -855, और ऐसा तीसरी एट्रेशन अगर करेंगे इक्वल दबाते हैं तो जो बी आ रहा है ए आ रहा है वो आ रहा है 2572, और जो ये आ रहा है वो आ रहा है -15435। अभी देखिए आप एरर बढ़ रहा है, मेथड जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है ना, यहाँ 0 से आप 45 पे, आप 855 पे चले गए, 15,000 कुछ पे चले गए, इतना 0 7, देखिए ना डिफरेंस बढ़ रहा है वैल्यूज का, 142 पे आया भी 2500 पे कुछ चले गए, यानी कि मेथड जो है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल तो है ऊपर से एक डाइवर्ज भी कर रहा है, डाइवर्ज कैसे अनस्टेबल कैसे पता चला, एरर बढ़ रहा है, और डाइवर्ज का कैसे पता चला, डाइवर्स से कैसे पता चला कि इसका, देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन देखते कैसे, कैलकुलेटर पे ओरिजिनल सॉल्यूशन भी आ जाता है, इक्वेशन आपके पास ये नहीं, तो इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, 2/2 है, तो अगर हम पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालें या कैलकुलेटर डायरेक्ट कर लें साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट बताया था वहाँ पर, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट हो जाती है 2/2 इक्वेशन सॉल्व, तो जो आपके पास, मैं इसको दोबारा बता वन इसके आंसर बता रहा हूँ, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वेरीफाई करने में आसानी रहे, तो एक इसका सॉल्यूशन है ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है, जो x1 की वैल्यू है वो माइनस का 0.9411 और जो x2 की वैल्यू है वो 2. ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, यानी कि एनालिटिकली अगर आप इसको सॉल्व करते एग्जैक्ट सॉल्यूशन 6470 6470। तो अभी देखें आपकी ओरिजिनल सॉल्यूशन है, आपको इसके करीब पहुंचना था, आप इससे कितना दूर निकल गए, एक 2500 पे पहुंचा हुआ, एक 15,000 पे पहुंचा हुआ, बढ़ता ही जा रहा है आंसर, यानी कि यहाँ पे मेथड जो है गॉस सीडल जो है आपका अनस्टेबल भी है और डाइवर्ज भी कर रहा है, दूर होता जा रहा है, डाइवर्ज का मतलब होता है एक जगह से आप दूर होते जा रहे हैं, कन्वर्ज का मतलब उसके करीब अप्रोच कर रहे हैं, अनस्टेबल एंड डाइवर्जिंग। अब उसमें आपसे सवाल में ये बोला था कि आपको अगर कन्वर्ज करेगा तो 3 इटरेशन करें, कन्वर्ज करने के लिए स्टेबल होना जरूरी है, सही, तो
स्टेबल होने के लिए अभी आपको एक कंडीशन पड़ेगी कि डायगनली डोमिनेंट हो, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट हो। तो देखिए स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट नहीं था, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट नहीं होता तो कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्ज भी कर सकता है डाइवर्ज भी कर सकता, हमारे इस पर्टिकुलर सवाल में डाइवर्ज कर। ठीक, मैं सवाल दोबारा लिख रहा हूँ और मैं सवाल में अब एडिट करूँगा, चेंजिंग करूँगा, कैसे करूँगा बताता हूँ। x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7, पहली इक्वेशन है। x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या है, दोबारा जा रहे हैं बोर्ड पे। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 3, 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये हमारा सिस्टम था। अगर मैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या बनेगा आपको पता, x1 है तो 1 3 6 1, देखिए डायगनली डोमिनेंट नहीं है, डायगनल पे क्या है 1 और 1, तो देखिए ये 1 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता और ये जो 1 है वो 6 से बड़ा नहीं होता, यानी कि डायगनली डोमिनेंट तो नहीं है, डायगनली डोमिनेंट नहीं होता तो कन्वर्ज भी कर सकता है डाइवर्ज भी कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन इसको डायगनली डोमिनेंट आप बना सकते हैं, अगर मैं रॉ इंटरचेंज कर दूँ मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स की दो रॉ इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स पे उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना सॉल्यूशन में, आपको पता है तो रॉ चेंज का होता है, रॉ जो होती है बेसिकली इक्वेशन होती है, फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ, सही, तो रॉ जो होती है बेसिकली इक्वेशन होती है, अगर आप इसको इंटरचेंज कर लें, किसी नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लें, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे लिख लें, तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही करते हैं, अगर हम इंटरचेंज करें, फायदा क्या होगा इंटरचेंज से, देखिए इंटरचेंज R1 एंड R2 या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर लें, तो देखिए 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस, इंटरचेंज अलाउ है, कोई भी दो रॉ दो इक्वेशन आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये ऊपर आ गई और नीचे वाली इक्वेशन में x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7। फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा ये हुआ कि अब ये डायगनली डोमिनेंट, और डायगनली डोमिनेंट अगर स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है तो ये लाजमी है कि गॉस सीडल और गॉस जैकोबी भी दोनों स्टेबल होंगे, स्टेबल होंगे तो कन्वर्ज होंगे। देखिए इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो देखिए x6 आएगा पहले, x2 का कोफिशिएंट 1 है और नीचे x1 का कोफिशिएंट 1 है और x2 का कोफिशिएंट 3 है। अब देखिए डायगनल पे 6 और 3 है, तो 6 जो है वो इस 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और ये 3 जो है ये इस 1 से बड़ा है। अच्छा ये मॉड में लेना होता सब कुछ पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पे मॉड पॉजिटिव ही रहता है। तो अब देखें 6 भी बड़ा है 1 से, 3 भी बड़ा है 1 से, यानी कि ये स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है, और स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट होता है हमेशा कन्वर्ज करता है, स्ट्रिक्टली स्पेलिंग देख लीजिए अगर कोई वर्ड गलत हो तो जाने दीजिएगा, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट, सही, ये अब है लाजमी है, अब तो ये बगैर आंखें बंद करके कन्वर्ज करेगा, लाजमी स्टेबल होगा, स्टेबल लाजमी कन्वर्ज करता। अब आप इस तरह से वैल्यूज